मुझ पर भी इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास करा। कल परसों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जोबट में, और बीजेपी के प्रदेश से प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवारी और डॉक्टर विक्रांत भूरिया राजनीतिक भेड़िए हैं। अरे मैं उनसे सवाल करता हूं, जिन लोगों ने उस 10 साल की बच्ची को नोचा वो भेड़िए थे कि जो उस बच्ची की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पहुंचे वो भेड़िए होंगे? ये चीज तो भाजपा को समझना चाहिए। आप कुछ अपराध करोगे तो हम पूरी ताकत से उस चीज का विरोध करेंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, जो दुखी होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे, पर हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए, पर रोजगार की लड़ाई के लिए गए। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपराध कराओ उसके लिए हम जेल गए हों। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद पूरे देश के लिए घातक है, तो क्या उनको नागर सिंह चौहान जी का परिवारवाद नहीं दिख रहा? क्या जिस तरह से नागर सिंह चौहान जी के परिवार ने पूरे अलीराजपुर जिले पर कब्जा कर रखा है, हत्या रखा है, वो चीज उनको नहीं दिख रही क्या? जिस तरह से नागर सिंह चौहान जी खुद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, खुद विधायक हैं, खुद मंत्री हैं, उनकी पत्नी 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष है, आज लोकसभा की उम्मीदवार भी उनको बना दिया गया, उनके भाई जनपद अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के 5 से 10 सरपंच हैं, सोसाइटी अध्यक्ष उनके परिवार से, ये परिवारवाद नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? या भाजपा में किसी को इस काबिल आप नहीं समझते कि उनको सांसद बना सके? या जमीनी कार्यकर्ता उनको सिर्फ काम करने के लिए चाहिए, और पद देने के लिए उनको बड़े बड़े लोग चाहिए जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पावर हो, जिनके पास खदाने हो? मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस तरह से ये मंत्री बनने का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि जो व्यक्ति ने पूरे कट्टीवाड़ा जंगल साफ कर दिए उसको वन मंत्री बना दिया। पहली बार देखा कि जिस मंत्री की खुद की खदाने हो और सब माफिया उसके साथ खड़े हो उसी को पर्यावरण मंत्री बना दिया। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और आप सब लोग समझदार हैं, जनता आप समझदार है कि वोट किसको करना है, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए ये चुनाव हो रहा है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है, इस देश में आरक्षण को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, इस देश में मीडिया को, पत्रकारिता को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। ये जो वीडियो है ये नागर सिंह चौहान जी का वीडियो है, और अभी आप सुनिएगा कि वो अपने विचार क्या रख रहे हैं, ताकि आप सबके सामने हकीकत आ सके। क्योंकि मेरा परिवार इन चीजों से डरने वाला है। हम तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये सोच रहे कि मैं एसपी को लिख दूंगा, जाएंगे कमिश्नर को लिख दूंगा, अपने लीडर से क्या देना पड़ेगा, डर रहे क्या? मेरे पिताजी को 20 साल की सजा, डर रहा क्या? इससे डरने वाला कौन है ये तो बताओ। एक और बार आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें नागर सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि वो कई बार जेल गए हैं। जरा इस पर प्रकाश डालिए कि किन चीजों के लिए जेल गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को 20 साल के लिए सजा हुई है। क्या उम्र कद सजा हुई थी क्या? फिर से सुनाता हूं, आप सुनिए एक और बार। इसका वॉल्यूम बढ़ाना है क्या? नहीं, चलो ठीक है। क्योंकि तो मेरा परिवार इन चीजों से डरने वाला है। हम तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये सोच रहे कि मैं एसपी को लिख दूंगा, डर जाएंगे कमिश्नर को लिख दूंगा, अपने लीडर से क्या देना पड़ेगा, डर रहे क्या? मेरे पिताजी को 20 साल की सजा, डर रहा क्या? इससे डरने वाला कौन है ये तो बताओ। तो आज आपको मैंने जो असलियत है मंत्री जी की वो बताने का प्रयास करा है, और जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो कई बार जेल जा चुके हैं। तो क्या ये मेडल है जेल जाना? अपराधों में जेल जाना कोई मेडल है? वो खुद कह रहे हैं कि उनके पिताजी को तो 20 साल की सजा हो गई, तो इसका स्पष्टीकरण दे, उनको 20 साल की सजा किस प्रकरण में हुई? और अब मैं आपके सामने ये सबूत पेश करता हूं। ये सबूत नहीं, बहुत बड़ा सबूत है,
जिसको कहीं ना कहीं दबाने का पूरा प्रयास करा गया। और आज जैसे कहा जाता है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, इसमें नागर सिंह चौहान जी पर जितने भी अपराध दर्ज हुए थे उनमें से कुछ अपराधों की सूची है, एफआईआर के क्रमांक हैं और क्या क्या अपराध करें वो सब इसमें दर्ज है। ये 10 अपराध सिर्फ शुरुआत है और इसमें आप देखेंगे, आपकी इसकी कॉपी दूंगा, हनुमान मंदिर हत्याकांड का भी जिक्र है। किस तारीख को हुआ? राजवाड़ा में हुआ, 13 तारीख को हुआ। 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया था इसमें। और ऊपर क्या लिखा गया है कि निगरानी शुदा बदमाश। तो क्या नागर सिंह चौहान जी कभी निगरानी शुदा बदमाश रहे हैं? यह चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इसकी कॉपी मैं आप सबको दूंगा क्योंकि ये हर व्यक्ति तक पहुंचने का जवाबदारी आप लोगों की है। जनता को सत्यता पता होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व करने जो जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, क्या उन्होंने कोई अपराध करा है कि नहीं करा। और आज जब आप नागर सिंह चौहान जी से पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे पर तो सब अपराध समाप्त हो गए। मैं राज्य शासन से ये मांग करता हूं कि जो जो अपराध नागर सिंह चौहान और उनके परिवार ने करे हैं उस पर फिर से जांच होना चाहिए। और किन कारणों से गवाह पलटे, किन कारणों से गवाह डर गए, किन कारणों से प्रशासन ने जांच बंद कर दी, और क्या कुछ गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया क्या, इस चीज पर जांच होना चाहिए। और इन प्रकरणों को वापस से खोलकर उसकी हकीकत सबके सामने आना बहुत जरूरी है।